आवाज काफी अच्छा लग रहा है. कहाँ से शुरुआत हुई थी? एक लाइक हमने कितनी मेहनत करी थी, मेरा फर्स्ट शो था और हमने कैसे शूट किया है मथुरा, हर जगह हमने शूट किया. उसके बाद काफी एक्सपेक्टेशंस थी, कैसा करेगा नहीं करेगा, राधा लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा. उसके बाद वो फर्स्ट एपिसोड हमने सेकंड मई को किया और आज फाइनली हमारे हो गए हैं 500 एपिसोड. आई एम सो हैप्पी, सो एक्सट्रीमली हैप्पी. मतलब मुझे लग रहा है कि जितनी खुश मैं अभी हूँ अंदर से, मैं वर्ड्स के थ्रू से एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी. आप हमारे शो को इतना प्यार देते हैं, ऐसे ही देते रहिए, हम और मेहनत करते रहेंगे और ऐसे ही हमारे एपिसोड्स और आप सबके साथ और भी आगे बढ़ते जाएं और भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाएं. यही कि हम सब बहुत खुश हैं, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, पूरी टीम, द एंटायर प्रोडक्शन टीम, क्रिएटिव टीम, ऑल ऑफ LSD, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी कि हमारा जो शो है वो पांचों एपिसोड पूरा कर चुका है. बेस्ट सीन, आई थिंक हर एक सीन से कुछ ना कुछ मेमोरीज मेरी जुड़ी हुई है. हर दिन हम कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते हैं उस सीन में, उसमें थोड़ी बहुत बातें हो जाती है, वो याद रह जाती है कि अच्छा इस सीन के टाइम हम जब प्रिपरेशन कर रहे थे, जब हम रिहर्स कर रहे थे इस सीन को, ये सारी मस्ती हुई थी. हर एक चीज वैसे वैसे यादगार तो बनता ही जाता है. बट आई थिंक सीन नहीं कहूंगी, चंक कहूंगी, मेरा जो कोल्ड स्टोरेज का चंक था, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे कोल्ड स्टोरेज का नाम लेते ही. बट हाँ, थोड़ा सा थोड़ा कहीं ना कहीं जब स्टंट्स या वैसे सीन्स होते थे, जब दांत को ऐसे हिलाना होता था करके, जबकि ठंडी नहीं है, आपको पता है कि जिस रूम में आप शूट करो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, गर्म, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आपको वैसे ही सीन्स करने और फिर आपको बहुत बड़े बड़े लाइन्स करने हैं, तो जब कट होता था तो मेरा ये पूरा पार्ट इतना दर्द हो जाता था. तो वॉज लाइक जब मुझे छुट्टी होती थी, मैं बोलती बस मम्मी बस बस ये ट्रैक खत्म हो, मुझसे नहीं हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है. तो उस ट्रैक में कहना कहीं मुझे बहुत मज़ा आया, काफ़ी मैंने अपने आप में ही सीखा. मैं शायद वापस से इमोशनल हो रही हूँ, बट एक्चुअली मैंने ये ट्रैक, ये जो चंक था ना, इसे मैनिफेस्ट किया था. जब मैंने पहली बार मिली देखा था ना, तो मैंने कहा था शिट यार, काश मुझे ऐसा एक मिल जाए तो मैं करूं, और मिला भी तो एक महीने के लिए मिला, पर मैंने किया. आई होप आप सबको अच्छा लगा हो. आई थिंक सभी खास है, क्योंकि मैं ये ऐसे इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया और सबको मैं खुश रखना चाहती हूँ, इसलिए नहीं बोल रही हूँ. आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस बिकॉज एवरी टाइम वी हैव कॉम्बिनेशन सीन्स, हम सब एक साथ बैठते हैं और हम सब ऐसे नहीं बैठते हैं और फोन पे है, हाय हाय गुड मॉर्निंग, ऐसा नहीं होता है. हम यहाँ पे लिटरली बैठते हैं साथ में, चेयर्स को ऐसे क्लोज करके, और फिर हम गेम्स खेलते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, अच्छी वाली टांग खिंचाई, हम टांग खिंचाई करते हैं, मस्ती करते हैं, शबीर सर खेलते हैं, कादम्बरी मैम भी, सब कुछ ना कुछ गेम्स लाते हैं और हम खेलते हैं. तो ऐसा होता है हम वेट कर रहे होते हैं कि कब कॉम्बिनेशन सीन मिलेगा और कब आएंगे, और एक भी बंदा अगर उसका ऑफ रहा ना, जैसे अगर किसी का भी हम एक्टर्स में ऑफ रहा, तो हम ऐसे होते शिट यार उसे भी होना चाहिए. तो आई थिंक राधा मोहन में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, दुलारी, गुनगुन, सब, शबी सर, कादम्बरी मैम, विश्वनाथ जी, जो भी हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी एक के बगैर कॉम्बिनेशन सीन में मज़ा नहीं आता. मैं शायद समझा नहीं पाई, अगर कोई एक नहीं रहता है तो हमें थोड़ा बुरा लगता है कि यार इसे भी होना चाहिए था, मजा नहीं आता. काफी खुशी का माहौल है, 500 एपिसोड्स कम नहीं होते हैं. आप सबकी ब्लेसिंग्स तो थी ही, प्यार तो था ही, और हम सबकी मेहनत थी, पूरे क्रू की, पूरी LSD टीम की मेहनत थी, जी टीवी की भी मेहनत थी, और हम सब ने दिन रात मेहनत करी है. ओके, 500 पूरे हुए हैं तो थोड़ा सा इमोशनल होना बनता ही है, तो इसलिए काफी ज्यादा खुश हैं. पर मैं ज्यादा खुशी को एक्सप्रेस नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज मुझे लगता है कि ज्यादा खुशी को ना नजर लगती है बहुत गंदी वाली, तो मैं इसलिए ऐसे रहूंगी. पर हाँ, सब इतने खुश हैं, इतना चहक रहा है आज का दिन, टचवुड ऐसा रोज हो और हमेशा और भी आगे हर साल कुछ ना कुछ ऐसे अमेजिंग होता रहे हमारे शो के साथ, तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे.
सब इतने खुश हैं कि 500 हो गए, हमने स्टार्ट किया था बस कुछ ही महीनों पहले और आज ये दिन आ गए। आई थिंक मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं कैसे आपको ये बताऊं कि आप सबका साथ और हमारा साथ मिलकर ये 500 एपिसोड्स बने हैं। यही कि उनके वजह से आज हम 500 एपिसोड पर खड़े हैं, उनकी वजह से मैं ये इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। तो थैंक यू टू ऑल द फैंस एंड कीप वाचिंग राधा मोहन, कीप लविंग ऑल ऑफ अस एंड आई लव यू। आप सबके लिए बहुत सारा हग और थैंक यू सो मच राइज। छोटी सी छोटी चीज आपने नोटिस करी और इंस्टा पे जितने भी एडिट्स आते हैं, वी एम्स आते हैं, मैं हर एक को देखती हूँ और I really appreciate that आप सब इतना टाइम निकाल के करते हो, बहुत बड़ी बात है। हर एक आई थिंक जब हम भी टेलीकास्ट देखते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें मिस हो जाती है, पर आप सब वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बनाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आई एम गेटिंग अगेन वेरी इमोशनल, तो मैं इधर ही कंप्लीट करूँगी। थैंक यू ऑल।